हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉयड इन्वर्टर एयर कंडीशनर के इवन एरर कोड के बारे में। लॉयड इन्वर्टर एयर कंडीशनर में इवन एरर कोड क्यों आता है और किस वजह से आता है, क्या प्रॉब्लम होती है और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, जानेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रस्टवर्थी होम सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ट्रस्टवर्थी होम सर्विसेज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके रोज की न्यू वीडियो देखते रहें। तो गाइस, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे लॉयड इन्वर्टर एयर कंडीशनर के इवन एरर कोड के बारे में। इवन एरर कोड क्यों आता है और किस रीजन से आता है और उसका क्या सॉल्यूशन है। तो गाइस, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, जो इंडोर मतलब जो हमारा इवन एरर कोड आ रहा है तो ये इंडोर यूनिट में कोई ना कोई फॉल्ट है, उस रीजन से आ रहा है। आपको आउटडोर यूनिट को खोलने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फॉल्ट जो है हमारा इंडोर यूनिट से रिलेटेड है। तो आपको आउटडोर यूनिट में खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है और वहाँ पर जाने की भी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले इंडोर यूनिट को खोलना होगा, उसका कैबिनेट खोलने के बाद में आपको पीसीबी कार्ड में मतलब देखने पीसीबी कार्ड में आपको ये चेक करना है जो इंडोर की ब्लोअर मोटर होती है उसमें जो जैक लगा होता है, कनेक्टर बोलते हैं जिसको हम, वो कार्ड में ठीक से लगा है या फिर नहीं लगा है, या फिर वो लूज़ होने के रीज़न से भी हमें इवन एरर कोड देखने को मिलता है। अगर लूज़ है तो उसको एक बार ठीक से निकाल के दोबारा लगा के देखें और साथ साथ ये भी देखें कहीं से वायर कटी हुई तो नहीं है चूहे ने, या फिर वायर काट दी या फिर जल गई है, किसी भी रीज़न से अगर वायर कटी हुई होगी तो भी हमें इवन एरर कोड देखने को मिलेगा। तो आपको उस वायर अगर कटी हुई है या फिर जल हुई है तो आप उसको ज्वाइन कर दें, आपकी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। अगर मतलब वायर ठीक है हमारी, जली हुई नहीं है और सब कुछ मतलब ठीक है, हमारा कनेक्टर वायर भी लूज़ नहीं है वो भी ठीक है, तो आप ये चेक करें जो हमारा पीसीबी कार्ड है वो मोटर को सप्लाई निकाल रहा है या फिर नहीं, एक बार उसको चेक कर लें। वैसे तो पीसीबी कार्ड 100% सप्लाई निकालेगा ही क्योंकि ये जो फॉल्ट है वो मोटर से रिलेटेड है। तो वैसे मैं आपको बता रहा हूँ 2% ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ अपनी तरफ से, मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप ये भी चेक कर लें जो पीसीबी कार्ड है वो सप्लाई निकाल रहा है मोटर के लिए या फिर नहीं, और अगर निकाल रहा है तो फिर आपको कुछ नहीं करना, मोटर को खोल लो, आप जो इंडोर की ब्लोअर मोटर है उसको खोल लो, वो ख़राब हो चुकी है और वो डीसी इन्वर्टर मोटर होती है वो, तो वो रिपेयर भी नहीं होती, तो आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाएगी और आपको उसको चेंज करके दूसरी लगा दो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी 100% गाइस। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप हमारी हेल्प भी ले सकते हो, हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक सेंड कर देंगे, आप हमें वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और हमारी आईडी को भी फॉलो कर सकते हो और आप हम आपकी मतलब हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो गाइस, आई होप सो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और रोज़ की ऐसे ही न्यू वीडियो देखने के लिए ट्रस्टवर्थी होम सर्विसेज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके रोज़ की न्यू वीडियो देखते रहें। तो गाइस, चलते हैं, फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।